सक्रिय भूमाफियाओं की सूची बनवा रहे हैं या भाई भाई का गोतिया का झगड़ा, इस तरह के विवाद आते हैं और उन पर जो सर्विलांस हम लोग रख सकते हैं उनकी गतिविधि का सत्यापन समय समय पर करेंगे। भूमाफियाओं को चिन्हित करने की ये कोशिश, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हर शनिवार को थाना स्तर पर थाना और अंचल कार्यालय की एक संयुक्त मीटिंग होती है और जिसमें भूमि विवाद संबंधी जो स्थानीय विवाद होते हैं वहाँ पर आते हैं, उनको संधारित किया जाता है, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है और उसको पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम लोगों का ये विश्लेषण रहा है कि थाना स्तर पर बहुत ही स्थानीय किस्म के विवाद आते हैं, जिसमें गली रास्ते का विवाद या भाई भाई का गोतिया का झगड़ा, इस तरह के विवाद आते हैं। तो हाल फिलहाल की घटनाओं और मुख्यालय स्तर से हम लोगों के वरीय पदाधिकारियों के स्तर से जो निर्देश मिले हैं उनके अनुपालन में शहरी क्षेत्र में विशेष तौर पर और वैसे पूरे ज़िले में हम लोग सक्रिय भूमाफियाओं की सूची बनवा रहे हैं। उनमें से जिनका आपराधिक इतिहास है उन पर एक पृथक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन संदिग्ध चरित्र है उन लोगों को भी संबंधित रजिस्टरों में हम लोग उनका नाम की एंट्री होगी और उन पर जो सर्विलांस हम लोग रख सकते हैं उनकी गतिविधि का सत्यापन समय समय पर करेंगे। दूसरा ये है कि शहर के क्षेत्र में जो भी विवादित भूमि है, जो हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़े गैंग पिछले 4 से 5 वर्षों में जिनके ट्रांजैक्शन से जुड़े रहे हैं, इन सभी का हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं और अगर किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई अपेक्षित होगी तो 100% हम लोग ये विधिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन शहरी क्षेत्र में और संपूर्ण ज़िले में भूमाफियाओं को चिन्हित करने की ये कोशिश SSP सर के निर्देश पर, वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर प्रारंभ की जा चुकी है और ऐसे सभी लोगों का सत्यापन और सर्विलांस आगे किया जाएगा।